में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी एमएट एंट्रेंस का जो आपका पेपर टू हुआ था, जो कि आपका 18 सितंबर को ये पेपर हुआ है, तो उसका हम पेपर टू के क्वेश्चंस को मैच करेंगे, आंसर कीज को मैच करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया है इन सारे क्वेश्चंस को, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोग के पेपर्स भी अच्छे होंगे। पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था, बट पेपर का लेवल जो काफ़ी ईजी था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को मैच करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पेपर वन का कुछ क्वेश्चंस मैच करवाया था, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखकर आंसर्स आप लोग मैच करें। और भी क्वेश्चंस आपको याद हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये कहा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा एक क्वेश्चन मैथ्स का आया था कि कुछ नंबर्स दिए हुए थे, जैसे बच्चे ने कमेंट किया 5x + 6y, क्या पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन था मैथ्स का, जो कि ये क्वेश्चन था जो कि प्रॉपर अभी एक बच्चे ने यही कमेंट किया है। नेक्स्ट, हु इज फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, तो दैट इज मीका सिंह। कौन है? मीका सिंह, ठीक है, मिल्का सिंह। आउट ऑफ नॉर्म्स इंग्लिश का क्वेश्चन है, आउट ऑफ नॉर्म्स का क्या मिलता है, आउट ऑफ नॉर्म्स को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं हम किसको, आउट ऑफ नॉर्म्स को, ठीक है। नेक्स्ट है एक इंग्लिश का भी था, पैराचुअल, PARUCHIAL, जो कि इसका सिनोमिन्स पूछा गया है। ये इसका सिनोमिन्स होगा लिबरल, या हम कह सकते हैं आपका लिबरल हो, ब्रॉड हो, मैंडल हो, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीकैरियस, क्या है प्रीकैरियस, तो प्रीकैरियस का अनोदर वर्ड क्या होगा, तो अनोदर वर्ड इसका होगा डेंजरस या रिस्की, क्या हो जाएगा, डेंजरस या रिस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ब फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, ये कमेंट शायद सही से क्वेश्चन नहीं मिल पाए, वर्ब फॉर्म ऑफ ब्लड, तो ब्लड ए क्या है, ये क्या है, नाउन है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है ए मास, ए मास का एंटोमिन्स क्या होगा, तो ए मास का मतलब एंटोमिन्स पूछा गया है, तो गैदर करना, कलेक्ट करना, असेंबल करना, इसका एंटोमिन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ग्रुप ऑफ जिराफ, एक ग्रुप ऑफ जिराफ को हम क्या कहते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ जिराफ को बोला जाता है टाउन, TOWN। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे देखते हैं, इजी क्वेश्चन थे, ना ज्यादा टफ थे। नेक्स्ट है ट्रेटर, ट्रेटर का फेमिन जेंडर क्या होगा, तो ट्रेटर का फेमिन जेंडर ट्रेटर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वेस्ट का विलोम क्या होगा, ज्वेस्ट का विलोम क्या हो जाएगा, लघु या कनिष्ठ, क्या हो जाएगा, ज्वेस्ट का विलोम हो जाएगा लघु या कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कौन सा शब्द है, तो पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है, ये कौन सा शब्द है, एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो पदबंध जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। नाक कौन सा शब्द है, नाक कौन सा शब्द है, तो ये क्या है, रूढ़ एक शब्द है, एक होता है ना रूढ़, यौगिक, योग गुण, तो नाक जो है वो रूढ़ शब्द है। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावा नल, क्या कहते हैं, दावा नल, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावा नल। नेक्स्ट है मैं जो है, मैं में कौन सा पुरुष है, कहते हैं ना मैं, वो, तो मैं में जो पुरुष है वो उत्तम पुरुष होगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल में कौन सा विशेषण है, गोल में कौन सा विशेषण है, तो गोल जो है वो आपका जो है गुणवाचक विशेषण है। रचना की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है युगगुण। आग का पर्यायवाची पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, कौन सा नहीं है, तो ठीक है उसमें ये हो जाएगा कौन सा नहीं होंगे। आप में कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो है वो एक निजवाचक सर्वनाम है। कौन विशेषण है, तो कोई, कोई जो है वो क्या है, निजवाचक विशेषण है, दैट इज, सॉरी एक सेकेंड, हाँ आप जो है इसमें जो सर्वनाम है निजवाचक है, और कोई में कौन सा विशेषण है, सार्वनिक विशेषण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पेपर सेकंड में स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का स्कोप क्या क्या होता है, ताकि वो डिसीजन मैटर से सारे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सेटअप इन 1950, जो भी आप सी टेट यूपी टेट में जो भी आते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो सेटअप किया गया 1952 में, उसके चेयरमैन कौन थे, तो उसके चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुंडेलियर जी थे, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन के कौन चेयरमैनशिप थे 19, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी एंड मुंडेलियर। नेक्स्ट है, RMSA कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ आपका 2009 में, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के द्वारा। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो ये स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 1995 को, 1995 को ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुआ। वर्धा स्कीम किससे रिलेटेड है, तो वर्धा स्कीम महात्मा गांधी से रिलेटेड है, किससे, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। लीस्ट इफेक्ट ऑन लर्निंग का लीस्ट इफेक्ट क्या होता है, तो ठीक है, इसमें से कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। फंक्शंस डाइट हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो डाइट के फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रेनिंग करना, एवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, तो ये रिसोर्सेज को सपोर्ट करना, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं आपके, जो फंक्शंस होंगे वो आप टिक किए होंगे। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट को देने वाला सबसे पहले कौन था, तो जॉन डेवी थे, जो कि इनको कहा गया दैट इज ओरिजिन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सारे फिलोसफर की थ्योरी पूछी गई, जो कि जीन पियाजे हैं, स्किनर हैं, वॉत्स्की हैं, थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने जो कि तीन लर्निंग दी गई थी, उन सबसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये सारे थ्योरीज आपके पूछे गए। नेक्स्ट है, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की एज कितनी है, तो प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें तो वहाँ बच्चों की पढ़ाने की एज कितनी है, 5 से लेके 7 साल तक, जो कि राइट टू एजुकेशन RTI के तहत ये बताया गया है, 5 से 7 साल तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की एज इतनी है। 100% लिटरेरी स्टेट इन इंडिया कौन है, दैट इज केरला। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोठारी कमीशन का गठन हुआ 1964 में हुआ, ठीक है, 1964 में क्या है, इसका गठन हुआ। एजुकेशनल कमीशन जितने उसके, अब देखिए एजुकेशनल कमीशन से जितने भी आपके क्वेश्चंस थे बने थे, जैसे हो गया यशपाल कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, जितने भी कमीशन एजुकेशनल कमीशन्स थे RTI से, वो सारी चीज़ें पूछी गई थी एग्जाम में आपसे, ठीक है, तो ये आपके आंसर्स की थे, तो ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको याद है वो भी आप पिन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।